नौ चेतना एवं विकास समिति के द्वारा श्री रामलीला व दशहरा मेला सरैया पानी टंकी के पास रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मेले में रामलीला के जरिए तमाम रामायण से संबंधित और कलाकृतियां प्रस्तुत की जाती हैं और नवरात्र में मां दुर्गा के नौ रूपों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। बताते चले कि इस मेले में रामलीला के द्वारा शिवतांडव नृत्य भगवान राम के व्यक्तित्व के बारे में भी प्रस्तुत किया जाता है और शिव तांडव के माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि भगवान शिव और भगवान राम के व्यक्तित्व पर खरे उतरे और एक सनातन धर्म की ओर अच्छी संस्कृति को अग्रसर करे। इस रामलीला में सभी पात्र मुस्लिम समुदाय के होते हैं। यह रामलीला काफी साल पुराने होती चली आ रही है। इसमें सारे मंचन रामायण से संबंधित है। समिति के संस्थापक डॉक्टर एस के गुप्ता अध्यक्ष, हेमंत सिंह उपाध्यक्ष, सायाऊ यादव, रामाश्रय पाल, समर कनौजिया, व्यवस्थापक राजकुमार भारद्वाज, सत्येंद्र सिंह, मेला प्रभारी पिंटू यादव एवं अन्य सभी सहयोगी सदस्यों के सहयोग में भव्य मेले का आयोजन किया गया। 50 फीट का रावण व खूबसूरत आतिशबाजी मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह एवं वार्ड नंबर 3 पार्षद मंजू सुनील कनौजिया ने महापौर का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। जो रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 33 साल से इस रामलीला को संपादित कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पात्र हैं सब यहाँ के लोकल लोग हैं और इतने बड़ी संख्या में किसी भी कार्यक्रम में आना इसकी लोकप्रियता दर्शाता है कि लोग कितना जुड़े हुए हैं। और जो बुराई की रामलीला में हमें जो सीखने को मिलता है कि बुराई में वह अच्छाई की जीत होती है, यही संदेश लेके माने प्रधानमंत्री जी भी हमारे यही कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि बुराई का अंत एक दिन जरूर है। आज मुझे बुलाया गया, मैं अपने को गौरवित महसूस करता हूँ इस वार्ड में आने पर कि यहाँ कितने लोगों का सानिध्य मिला।